अररिया कॉलेज स्टेडियम में गिरी रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवा को लेकर मेडिकल परीक्षा चल रही है और इस परीक्षा में पहली बार पूरी तरह से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। भर्ती परीक्षा में आयोजित होने वाली दौड़ के लिए जहां RFID तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं लंबाई नापने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा लंबी कूद और गोला फेंक के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। अग्निशमन सेवा को लेकर के मेडिकल परीक्षा शुरू, आधुनिक सिस्टम से जांच की जा रही है। परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। रानीगंज प्रखंड के अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें आज कुल आवेदकों की संख्या 1576 है और प्रत्येक 1 से 100 के बीच में जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं उनको हम लोग दौड़ा रहे हैं, चाहे उसकी संख्या 4000, 4500, 5000 और अभ्यर्थी जो है 5-6 की संख्या में वो सफल भी हो रहे हैं। और सारी की सारी ये बहाली प्रक्रिया जो है पूर्णतः आधुनिक तकनीक पे आधारित है, जिसमें कि दौड़ के लिए हम लोग RFID टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कि हाइट चेस्ट मेजरमेंट, लंबी कूद, गोला फेंक का कार्य भी जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से कर रहे हैं। तो सारा कुछ बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा रहा है।